हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कलराम, गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। आज मैं आपको बताता हूँ कि काल भैरव की पूजा में या मसाणिया भैरव की पूजा में बलि देने के बगैर सिद्धि क्यों नहीं मिलती है। क्योंकि काल भैरव की पूजा और मसाणिया भैरव की पूजा में जब तक हम कद्दू की बलि नहीं देते हैं, तब तक हमारे को साधना का फल कभी भी नहीं मिलता है। चाहे कोई भी भैरव का मंत्र हो, सिद्धि हो, कुछ भी हो, जब तक कद्दू का बलि नहीं देते हैं, तब तक असंभव है सिद्धि मिलना। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि भैरव सिद्धि के बारे में बलि कैसे दिया जाता है और क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है, वो आप ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं मेरे आश्रम के बारे में बताता हूँ कि मेरे आश्रम पर अगर कोई लोग आते हैं तो आज हर मनुष्य के पास में इंटरनेट वाला मोबाइल होता है और है। नेट वाला मोबाइल हर किसी के पास रहता है। अगर जैसे हमारे मैप्स के ऊपर या गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाकर ऐसे आप लिखते हैं तो आपको हमारा ये पूरा एरिया आपको बता देगा। किसी को पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कहां तक पहुंच जाते हैं। तो हमने भी जो हमारा ये एरिया है उसको मैंने ऐसे यूट्यूब पे डाल रखा है, मैप्स पे डाल रखा है, तो ऐसे आप ज़रूर देखें। अब जैसे आपने ये मोबाइल देख रहे हो, इस मोबाइल के अंदर आपको क्या करना है कि मैप्स के ऊपर जाना है, नेट चालू करके मैप्स के ऊपर जाना है। और मैप्स पे जैसे ये आ गया मानचित्र। अब मानचित्र पे टच करो ऐसा, तो ये मानचित्र खुल रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, ज़रा ध्यान से देखिए कि ओ बराबर देखना, जी ए डी, ये आ गया ओगड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम, आप देख रहे हो। तो इस पे आप टच करो ऐसा, ऐसा टच करते ही ये हमारा पूरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो ओगड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, इस पे आप टच करो ऐसा। टच करने के बाद में ये आपको नीचे पूरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, ये नीचे आ गया। अब इसको ऊपर करो, जैसे ये हमने ऊपर किया तो ये हमारा पूरा प्रोफाइल आप देख सकते हो। ऐसे ये हमारा नाम और एड्रेस, ये जैसे अपने मैप्स में जाके मानचित्र पे ऐसे किया, एक कॉल का आएगा तो कॉल पे हमारा नंबर आ जाएगा, ये आप देख लीजिए। ऐसे कॉल पे गए और ये हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, तो इस नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हो। अब जैसे और नीचे आप देखते जी, ये नीचे नीचे जैसे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको ये मेरा पूरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। ये हमने जो पोस्टें डाल रखी है, ये पोस्टें आपको मिल, जैसे आपको कब कब मैं यहाँ पर मिलता हूँ आश्रम पे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे, ये देखते ही आपको मिल जाएगा। ये शनिवार, रविवार और सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, 3 दिनों तक ही मैं आश्रम पर मिलता हूँ। तो ऐसे आप, ये हमारा मोबाइल नंबर भी हमने इस पर डाला हुआ है, तो आप ऐसे ऐसे जैसे ऐसे आप सर्च करोगे मैप्स पे तो भी हमारा पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। इसकी देखते देखते आप हमारे आश्रम पर आ सकते हो। अब जैसे आपको नोटल किया, अब जैसे आपको यूट्यूब पे मेरे को ढूंढना है तो ये आप यूट्यूब चैनल पे जाओ। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद में यहाँ पे आप टच करो, यहाँ पे लिखो आप पहले जैसे हमने लिखा है बड़ी ABCD में, ऐसे बड़ी ABCD में लिखना OGAD ओघड़, यह आ गया ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान, ये आराम से आप देख सकते हो ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तान। इस पे आप टच करो, ये टच करते ही इसमें हमारा पूरा चैनल आपको आ जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये हमारा पूरा चैनल आपको मिल गया है।
तो यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप हमारे को देखना चाहते हो तो ऐसे ऐसे आपको ये वीडियो मिलेंगे। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे टच करो, यहाँ पे टच करते ही ये मेरा पूरा चैनल आपको दिखाई देगा, ओघड़ बाबा गोसेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। तो यूट्यूब चैनल पे भी आप ऐसे मेरे को देख सकते हो और मैप्स के ऊपर भी आप ऐसे सर्च करके मेरे को आप देख सकते हो। तो कोई भी भगत अगर रास्ता भूल जाता है या नहीं मिलता है तो इस तरह से आप हमारे आश्रम पर आ सकते हो। तो जय भैरुनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। अब मैं बताता हूँ कि भैरव जी की जब सिद्धि करते हैं तो एक कद्दू होता है, कद्दू जहाँ आप सिद्धि करते हो महीना डेढ़ महीना 21 दिन 41 दिन की अगर आप सिद्धि पूरा मंत्र जाप कर लेते हो तो 41वें दिन आपको 40वें दिन शाम को कद्दू ले आना है। कद्दू जिसको खोड़ला भी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, मतलब इतना बड़ा आता है गोल गोल। जब आप दूसरे दिन रात को जाप करके जब आप उठते हो तो उस कद्दू को बीच में से चाकू से या कोई तलवार से काट के दो भाग कर लो, बहुत बड़ा होता है कद्दू। दो भाग करने के बाद में उसमें उड़द डालो, घी डालो, सिंदूर डालो, नींबू डालो, मावा मिष्ठान डालो, ऐसे सारी चीज़ें दोनों भाग में डाल के फिर उसको जहाँ तीन रास्ते जाते हैं वहाँ पे या जहाँ भैरू जी का मंदिर है वहाँ पे जाके उस बलि को आप रख के आओ और बोलो कि हमारी मनोकामना पूरी करो। तो आपको उस मंत्र का या उस सिद्धि का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अगर इस तरह से आप बलि देते हो कद्दू का तो वो भी लास्ट के दिन में, तो आपको पूरी सफलता पूरी सिद्धि मिलती है। ऐसे आप बलि जरूर दे सकते हो और मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बंद कर और एक बात मैं और आपको बताता हूं कि हम कोई बड़े बाबा नहीं है और ना ही कोई हम बड़े भगत हैं। ये जो ज़मीन है ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है, यहाँ पे हमारा खुद निजी जगह में हमारा आश्रम है। आप सोचते होंगे यार बाबा बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुबह का खाने के लिए रात को भी गांव में जाके भीख मांग के इकट्ठा करना पड़ता है, यह है हमारी हैसियत। तो जो लोग अगर सोचते हैं कि यार के बाबा के पास तो गाड़ी है, वो है, ज़मीन है, कुछ भी नहीं है, भीख मांग के हम पेट भरते हैं, बाकी गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हमारे को भूखा कभी नहीं रखता है। भूखा उठते हैं लेकिन भूखा सोते नहीं है। गुरु महाराज की कृपा से हम जो दुखी लोग होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, जो बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसका हम भला करते हैं। आश्रम पर कोई भी बीमारी हो आपको यहाँ पे निशुल्क इलाज करते हैं गुरु महाराज की कृपा से, कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि कालूराम बाबा पैसा लेता है तो यहाँ पर आके एक दिन रुक के पूरा प्रोफाइल देख सकते हो। जय भैरुनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा।